Hello friends, welcome back to AIIMS Education by Cerebral Academy. I am Dr. Siddharth sir here. और आज हम वापस बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की. सो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि मियोसिस वन में क्या होता है और साइटोकाइनेसिस वन तक उसे कंप्लीट किया था. और ये भी एक छोटी सी जानकारी दी थी कि मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में एक ब्रेक होता है जिसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस. ओके, सो रिकॉल कीजिए मियोसिस वन के एंड में क्या हुआ था. मियोसिस वन के एंड में एक डिप्लॉइड सेल, ह्यूमन सेल जो 46 क्रोमोसोम्स कैरी करता है, वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाता है कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम्स ईच. ओके, सो लास्ट में मियोसिस वन के आपको दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिले हैं हैविंग 23 क्रोमोसोम्स ईच, बट विथ अ ट्विस्ट. ट्विस्ट माने कि ये हो गया कि उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जिससे हल्का एक वेरिएशन आया है. तो वही दो सेल्स हम लोग लेंगे यहां पे. ये दोनों सेल्स यहां पे आ गए आपके सामने. ओके, एक एक क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं. बाय द वे, ये सेल पूरा 23 क्रोमोसोम कैरी करेगा, ये भी 23 क्रोमोसोम. जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन आई हैव मेंशनड 1-1 क्रोमोसोम ईच. सो प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है यहां पे. प्रोफेज 2 जो पहला स्टेज होता है मियोसिस 2 का, इसमें होता है वही है जो प्रोफेज में होते आया है. हमने प्रोफेज में क्या देखा है कि क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होके वापस क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है. स्पिंडल फॉर्मेशन की शुरुआत होती है. स्पिंडल, ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाते हैं. न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और ये सेल फिर आगे बढ़ेगा मेटाफेज 2 में. तो प्रोफेज 2 के बाद गाड़ी आगे बढ़ती है मेटाफेज 2 में. मेटाफेज में हम जानते हैं क्या होता है, जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्विटोरियल प्लेट पे अलाइन होते हैं. तो दोनों सेल्स मैंने वापस ले लिए हैं यहां पे, बिकॉज मियोसिस 1 के बाद आपको दो सेल्स मिले थे. तो दोनों सेल्स प्रोफेज 2 में भी गए और यही दोनों सेल्स आगे मेटाफेज 2 में भी जाएंगे. तो ये दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं ये इक्विटोरियल प्लेट पे आ गए हैं. अगर रियलिटी में हम लोग बात करेंगे तो 23 क्रोमोसोम्स ईच होने चाहिए दोनों सेल में. जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन वंस अगेन 1-1 क्रोमोसोम इन ईच ऑफ द सेल. तो आप देखेंगे यहां पे स्पिंडल फॉर्मेशन पूरा हो गया है और आप नोटिस करेंगे कि ये जो क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं ये आके सीधा यहां पे एंड हो रहे हैं सेंट्रोमियर पे. जो ये ब्लैक पार्ट है इसे हम कहेंगे काइनेटोकोर, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है. तो ये जो क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं ये आके काइनेटोकोर्स पे आके अटैच हो रहे हैं. और क्यों अटैच हो रहे हैं, बट ऑब्वियस है कि ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, आप नोट कर रहे हैं यहां पे. और नेक्स्ट फेज में ये चला जाएगा एनाफेज 2 में, जहां पे ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को हम सेपरेट कर देंगे. तो एनाफेज 2 जहां पे सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा है, आप नोटिस करेंगे ये जो सेंटर है क्रोमोसोम का इसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं. यहां से ये डिवाइड हो जाता है और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होती हैं. तो रिकॉल कीजिए मियोसिस 1 में होमोलोगस पेयर सेपरेट हुए थे और यहां पे एनाफेज 2 में क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रही हैं फ्रॉम द सेंट्रोमियर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, बिकॉज आपने देखा होगा वीडियो में वहां पे मैंने बोल्ड अक्षरों में लिखा था कि सेंट्रोमियर नहीं डिवाइड हो रहा है, होमोलोगस पेयर सेपरेट हो रहे हैं. यहां पे क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं और मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू द अपोजिट पोल्स. तो एनाफेज 2 में आप देखेंगे अभी आप यहां पे ये एक सेल है, ये दो सेल में डिवाइड होने जाएगा बिकॉज इसके दोनों क्रोमैटिड सेपरेट हो गए हैं. 23 क्रोमोसोम्स ऊपर, 23 क्रोमोसोम्स नीचे. वैसे ये दूसरा सेल है, ये वाला सेल यहां पे दूसरा सेल, इसके भी दोनों क्रोमैटिड सेपरेट हो गए हैं और ये दो सेल में डिवाइड होगा. तो एनाफेज 2 के बाद हम लोग तुरंत देखेंगे कि टीलोफेज 2 में क्या होता है. ओके फ्रेंड्स, तो आपने भी देखा कि एनाफेज 2 में क्या होता है. आपने एनाफेज 2 में यह देखा कि जो क्रोमोसोम्स थे वो क्रोमैटिड्स पे से सेपरेट हो गए थे. तो क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गए थे तो वही मैंने लगभग सेम डायग्राम यहां पे ड्रॉ किया है. स्पिंडल फाइबर्स मैंने हटा दिया है. तो आपने नोटिस ये किया होगा कि क्रोमोसोम के क्रोमैटिड सेपरेट हो गई है सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो अपने पास दो सेल थे एनाफेज 2 में, ये एक सेल यहां पे, ये एक सेल यहां पे, और दोनों के क्रोमैटिड सेपरेट हो गए हैं. फिलहाल मैंने एक क्रोमोसोम के रिस्पेक्टिव सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट किया है. ऐसे कितने क्रोमैटिड सेपरेट हुए रहेंगे, 23 ईच. ओके फ्रेंड्स, तो ये तुरंत एनाफेज 2 के बाद सेल टीलोफेज 2 में जाता है, जहां पे ये रिस्पेक्टिव जो पोल्स पे हमारे क्रोमैटिड्स आए हैं ये अनकॉइल होंगे. ओके, डीस्पाइरलाइजेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, वापस सब कुछ यहां पे रीअपियर होगा. तो वापस यहां पे आप देखेंगे तो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों तरफ रीअपियर होगा. तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा वापस यहां पे. ओके, यू विल ऑल्सो गेट द न्यूक्लियोलस, तो यहां पे न्यूक्लियोलस भी आ जाएगा वापस.
ओके तो बाकी जो चीजें थी सेल्स की रीअपियर होना शुरू हो जाती है और तुरंत टेलोफेज टू साथ साथ तुरंत आगे बढ़ जाएगा साइटोकाइनेसिस टू में। और साइटोकाइनेसिस टू में क्या होता है, यहां पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। आप ऑलरेडी डायग्राम में देख रहे रहेंगे कि सेल फरो फॉर्मेशन हो रहा है, क्लेवेज फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये प्लांट सेल है तो सेल प्लेट बनता है, तो ये जो एक सेल है ये डिवाइड होके और दो सेल बनाएगा, ये रहे इसके ये दो सेल यहां पे ऊपर नीचे। और ये जो सेल है यहां पे ये ब्लू कलर का जो क्रोमैटिड है, ये सेल ये दो सेल में सेपरेट आउट होगा। तो आप देखेंगे साइटोकाइनेसिस टू के एंड में हमारे पास फोर डॉटर सेल्स हैं जो हैप्लॉइड है। प्लीज नोट करना हैप्लॉइड है बिकॉज यहां पे मैंने इनका क्रोमोसोम नंबर मेंशन किया है, दैट इज एन इज इक्वल टू 23। अगर आप नोट करेंगे एन इज इक्वल टू 23 मैंने मेंशन किया है यहां पे। तो हमने ये देखा था कि मियोसिस वन के एंड पे आपको दो सेल्स मिले थे और दोनों सेल्स में क्या हो गया था, दोनों सेल्स में जो एन क्या था नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23। तो ये सेल के पास भी 23, ये सेल के पास भी 23। तो आप देखेंगे यहां पे भी 23 क्रोमैटिड्स हैं, यहां पे भी 23 क्रोमैटिड्स हैं, यहां पे भी 23 क्रोमैटिड्स और यहां पे भी 23 क्रोमैटिड्स। तो रेस्पेक्टिवली ये जितने भी क्रोमैटिड्स हैं ये क्या बनाएंगे, इवेंचुअली ये डॉटर सेल्स बनाएंगे यहां पे। ओके फ्रेंड्स, तो साइटोकाइनेसिस 2 के एंड पे फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे रिकॉम्बाइंड तरीके से बने हैं, रिकॉम्बिनेशन यहां पे हुआ है, इसी के वजह से यहां पे थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे मियोसिस 2 हमारा समाप्त होता है। अगर आप मियोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे तो हमें यह पता चलता है कि अगर हमें गैमिट्स बनाना है, दैट इज गैमिटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म का प्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का प्रोडक्शन ओजेनेसिस, जिसके लिए इस टोटल प्रोसेस को हम लोग गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, इसके लिए मियोसिस काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज गैमिट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और हैप्लॉइड हैप्लॉइड लाइक स्पर्म एंड ओवम जब फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, इससे एक डिप्लॉइड सेल बनता है, दैट इज जाइगोट। यदि ऐसा नहीं होता तो हम सब टेट्राप्लॉइड होते हैं बिकॉज अगर डिप्लॉइड डिप्लॉइड सेल फ्यूज होगा फर्टिलाइजेशन में तो हम टेट्राप्लॉइड बन जाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है गैमिट्स के अलावा भी, जो है रिकॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स, आपने देखा था कि मियोसिस वन के पैचिटीन स्टेज में, प्रोफेज वन के पैचिटीन स्टेज में आपने देखा था कि वहां पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा था जहां पे भी वो काइज़मा बना था। इससे क्या होती है, जो हमारे नए गैमिट सेल्स बनते हैं इसमें से एक वेरिएशन आता है, तो अगर इनका फ्यूजन होता है तो जो भी इसमें से ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग बॉर्न होगा उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा कंपेयर टू द पेरेंट्स। तो इससे वेरिएशन होता है और वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एवोल्यूशन के लिए। तो मियोसिस काफी सिग्निफिकेंस कैरी करता है विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन लाता है वो और उससे इवोल्यूशन की एक बहुत अच्छी नींव रखी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो यहां पे मैं ये चैप्टर खत्म करता हूं, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। हालांकि इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमारे नीट की परीक्षा में लास्ट पेपर्स में आके गए या कोई और डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कुछ मजेदार क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जहां पे आप भी ट्राई कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई डाउट्स है कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप एक कमेंट छोड़ सकते हैं मेरे लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दैट इज AIIMS एजुकेशन बाय सेरेब्रल एकेडमी, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।